दोस्तों, किस कारण भगवान श्री कृष्ण ने की रेत के रथ पर सवारी? एक बार जगन्नाथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ जी के परम भक्त बलराम दास जी ने महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ रथ में यात्रा करने की इच्छा प्रकट की, पर किसी ने भी उन्हें रथ पर चढ़ने ही नहीं दिया। बलराम दास जी बहुत दुखी हुए और समुद्र किनारे रोते हुए जाकर बैठ गए। तब उन्होंने वहाँ रेत का एक रथ बनाया और महाप्रभु जगन्नाथ जी से रथ पर आकर विराजमान होने की प्रार्थना करने लगे। तब स्वामी जगन्नाथ जी भक्त का भोलापन देख अपना रथ छोड़कर रामदास जी के बनाए रेत के रथ पर आकर बैठ गए। दूसरी तरफ हजारों लोग और अनेक हाथी मिलकर भी प्रभु जगन्नाथ के रथ को एक इंच भी नहीं हिला पा रहे थे। उसी रात स्वामी जगन्नाथ जी ने राजा के सपने में आकर राजा व उनके सेवादारों को रामदास जी से माफी मांगने का आदेश दिया। अगले दिन जब राजा व सभी सेवादारों ने रामदास जी से माफी मांगी और उन्हें महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़ाया, तब जगन्नाथ जी का रथ आसानी से आगे बढ़ने लगा। ऐसा है हमारे महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी जी का भक्त वत्सल स्वभाव। जय श्री जगन्नाथ स्वामी।